हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और अभी मैं जा रहा हूँ शॉपिंग करने के लिए कपड़ों की, बिकॉज मेरे पास कपड़े थोड़े कम हैं तो थोड़े बहुत ले आता हूँ मैं। स्पेशली जीन्स नहीं है मेरे पास, तो जीन्स ले लूँगा और देखते हैं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। वैसे मिल तो सब कुछ ही जाएगा, पैसे चाहिए। तो चलो, निशांत के साथ जा रहा हूँ मैं, चलते हैं हिसार और थोड़ी शॉपिंग करके आते हैं। गोप्रो की बैटरी भी लेनी, वो मैंने ऑर्डर की थी, वो आ चुकी है वहीं पर। तो फिलहाल पापा जी यहाँ पुट्टी कर रहे हैं, पूरा वाइट कर दिया है। लग रही ना? हाँ हाँ, सही है। तो गाइज, आई एम रेडी टू गो। चलो देखते हैं बाकी सब क्या कर रहे हैं। फिलहाल साहिल व्लॉग देख रहा है और ये सोया पड़ा है। अम्मा वहाँ बैठी है। ओ अम्मा, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे, टीवी चल रहा है, थोड़ी शोर हो रहा है यहाँ पे। और ये अंगड़ाई ले रहे हो? बड़े अम्मी घर के काम कर रही है। हाँ, जा रहा है। हाँ। किसके साथ? निशांत के साथ। किस पे? बाइक पे। हाँ हाँ, आराम से जाना। आराम से ही जाऊंगा। ये शर्ट डाल जाता है? शर्ट नहीं यार, मैं शर्ट गर्मी हो रही है। तो अभी का सीन ये है गाइस कि पीयूष भी हमारे साथ जा रहा है। बड़ी मम्मी ने फाइनली हाँ कर दिया पीयूष को, क्योंकि दो नहीं करी आपने? नया करी है ना। दो तो ये अभी हम ले रहे हैं लस्सी। ₹10 में इतनी लस्सी आई है। तो लस्सी वाले अंकल जी आ जाते हैं रोज रोज। बाय अम्मा। पीयूष और मैं तो निकल चुके हैं, रास्ते में निशांत मिल जाएगा। उसका फ़ोन नहीं मिल रहा, सबसे मेन बात तो यही है, नहीं तो मैं उसको बोल देता कि मैं आ रहा हूँ। मैं हूँ हर काम में बहुत जल्दी करने वाला। आई कांट वेट गाइज। हो सकेगा तो KTM के शोरूम में भी जाएंगे, उनसे पूछेंगे कितने टाइम लगेगा हमारी बाइक आने में। तो अभी हम यहाँ पे छाया में वेट कर रहे हैं निशांत का, वो अभी तक घर से नहीं निकला है। तो अभी ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं, धूप भी बढ़ जाएगी, पता नहीं कब तक फिर वापस आएंगे हम। अबे अबे अबे, ये क्या था? अबे यार, भीग गया मैं, कैमरा खराब ना हो गया यार। मैं रोकता हूँ, एक बार साइड में लगाता हूँ। सैनिटाइजर तो नहीं था, ये पानी जैसा था कुछ। होपफुली मेरा कैमरा खराब ना हो। बस तेरे को नहीं भिगाया? मेरे को भिगा दिया पूरा। पता नहीं क्या कर रहे हो। पीयूष निशांत के साथ में जा चुका है। शुभ यात्रा, शुभ यात्रा, शुभ यात्रा। आई थिंक ये रोड पे चलने वालों को सैनिटाइज कर रहे हैं, जो भी दिल्ली साइड से आ रहे हैं, बिकॉज ये दिल्ली रोड है ना। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं KTM के शोरूम में ही, बिकॉज रास्ते में यहीं पे ही है वो। तो सबसे पहले हम बाइक ही देख लेते हैं। नमस्ते भैया, कैसे हो? हम बाइक देखनी थी, ये वाली अपनी। हाँ हाँ, वाइट में। इसमें मेरे पैर सही है, हैंडलिंग तो इसकी। तो वैसे ये है अपनी बाइक, ऑन करिए एक बार। हाँ करिए एक बार, थ्रोटल दियो, थ्रोटल दियो, थ्रोटल। सही है। अरे नहीं, मैं वो देख रहा था इसका एग्जॉस्ट किस टाइप का है। अरे मेरे को लग रहा था कहीं बड़ी, ज़्यादा बड़ी ना हो, बस सही है, कॉम्पैक्ट थी छोटी सी। क्या कुछ फ़र्क लगा उसमें और इसमें बैठने में? पोस्चर में तो है, इसका तो उतार ले। तो पीयूष की यहाँ पे देखता, हमने लेता हूँ तेरा। तो गाइस, पीयूष को मैं ये वाली दिलाऊंगा जब ये बड़ा हो जाएगा, 18 साल से ऊपर का। पीयूष को ये वाली पसंद आई है। पीयूष को ड्यूक पसंद नहीं आई है। ड्यूक पसंद आई है? तो पीयूष को ड्यूक पसंद आई जो वहाँ पे है ना, हमारी वो वाली है। यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाइट होगा बस। तो कह रहे हैं कि एक हफ्ता लग जाएगा। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अभी सौरदा, कुछ अपने कपड़े ले रहे हैं। और ये देखो, एक अढ़ाई टकला कैसे बाल इसके खड़े हो गए हैं हवा से। सच्ची होता, कैसे लग रहा है इसके बाल? बेकार लग रहे हैं ना? अरे बढ़ जाएंगे फिर। कैसे अच्छे बाल इसके लग रहे हैं, देख मैगी मैगी से। मैगी। अब कौन से में जाने, ये बता। मैगी नहीं है, हक्का नूडल्स है। की ना है कोई खबर। ये इतना टैलेंटेड, आप देखोगे ना इसकी वीडियो, ये हंसा हंसा के लोगों को। कॉमेडी करता है ये, और क्या करता है ये? देखो अभी तो कुछ नहीं कर रहा, बाहर थोड़ा कम बोलता है ये, घर में तो बस। कटिंग भी ऐसी करो ये, इसने कटिंग पे तो 5 लाख व्यूज है इसकी कटिंग पे। ये भी अच्छी है। तो शर्ट तो हो गई है मेरी, अब जीन्स की बारी है। यहाँ पे सारी जीन्स ही जीन्स हैं। बताओ क्या चाहिए भैया? जीन्स दिखा दो, फटी हुई। ये लो, फटी हुई जीन्स दिखा दो भैया। आपने पहन रखी है भैया? आपके पास क्या है?
आपके पास कौन सी जींस है? सरदा इज गोइंग टू चेंजिंग रूम। सरदा कुछ कर लो, बहुत मानुस लगे हुए, इतना बड़ा होल खुला हुआ है, दिख रहा ब्लैक होल। तो गाइस सीन ये है कि इतनी देर से मैं ट्राई कर रहा हूँ, मेरे को जींस एक भी पसंद नहीं आ रही है। गाइस मैं तो आराम से बैठा हूँ, कुछ पसंद आ नहीं रहा, फालतू में बेइज्जती कराए जा रहे हैं। हो गया क्या? तो क्या चाहिए आपको? बेइज्जती क्या यार, क्या क्या है मतलब। तो चलो गाइस, जींस तो हमको पसंद नहीं आई है, अब निशांत की बारी है, ये अपने कपड़े देखेगा। एकदम झकास लग रही है, बिल्कुल फैंटास्टिक। चले गए चले गए चले गए चले गए, लेट्स रॉक। अभी हम दोनों ने बिल्कुल सेम पसंद किया और दोनों सेम लेंगे। शॉपिंग तो कर लिया, तो चलो चलते हैं। उनकी फिटिंग जरूरी है क्योंकि हमारी बॉडी उतनी अभी शेप में नहीं है कि बिल्कुल फिट आ सके। मेरे को ये बोलना था कि मेरे को फोन करके परेशान करना बंद करो, मैं नंबर नहीं देने वाला सौरव का। अच्छा हाँ, इसके पास कॉल आते हैं। इन चारों की करनी है, सिर्फ इसकी नहीं करनी, ठीक है अंकल जी? कर दो फिर जल्दी से। कितना टाइम लग जाएगा? देखिए 2 घंटे लग जाएंगे, तो 2 घंटे तक हमको कुछ खा लेते हैं और कैमरे की बैटरी लेके आनी है और भी बहुत का। हाँ जीन्स भी तो लेके आनी है। कितना खर्चा हुआ शॉपिंग में एंड ऑल लास्ट में बताऊंगा, ठीक है? तो मैंने ऑर्डर किया है वेज रोल, पनीर रोल और बर्गर। बर्गर ये खाएगा पीयूष। ये है नॉर्मल रोल, ये है पनीर रोल, तो ट्राई करते हैं। देखो गाइस मेरा कितना इज्जत से आया है, देखो इस बदल में। खाना डन, अब हम चलते हैं एक तो बैटरी लेने और जीन्स देख के आते हैं, तब तक हमारी शर्ट फिटिंग हो जाएगी। कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर। ये देखो गाइस इतनी 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 ज्यादा लूज है, ये क्या करें, हमें पसंद आई है। अब डाइट बढ़ाओ भैया, भैया दिखाओ। तो पीयूष यहाँ पे आके कॉफी ठूसते हुए बस इसको खाना पीना चाहिए, कहीं भी ले जाओ बस। तो अपन ने 2 पैंट लिए यहाँ से, जीन्स कैसी लगी? दिखी नहीं। तू क्या कर रहा था फिर? आराम। कॉफी पीने में बिजी था। सीन ये हुआ कि मेरे को यहाँ भी एक शर्ट पसंद आ गई, तो टोटल 6 शर्ट हो गई। देखो गाइस इतनी सारी पैंट जीन्स सब कुछ निकालवा दिया, लिया एक भी नहीं। मेरे को भी ले ले, इनमें से कोई सी ले ले, डाल के देख ले जो उनसे पसंद आती है। हाँ इससे तेरे को फिर पैंट डालने की जरूरत नहीं है ना। कुछ भी नहीं, निक कर पैंट काम कर ले, आधा सर्दियों में डालो इसको। तो ऐसी हरकतें मत कर, यहाँ पे काम कर रहे हैं जादू। रास्तों से मेरी गहरी। हेलो, बढ़िया सब्सक्राइबर, देखते हो वीडियो? अच्छी लगती है? अभी अभी कैसे पहचाना? अभी पीयूष को देखा। अच्छा पीयूष को देखा था, पीयूष को पहचान लिया सब्सक्राइबर ने, तो अच्छा लगता है ऐसे मिलते हो आप लोग। सारी हो गई जो फर्ज से भरा था, बस था वो भी खाली हो। तो गाइस अभी हम चल पड़े हैं हमारी शर्ट लेने के लिए, जो कि फिटिंग हो गई होंगी, 2 घंटे हो गए हमको डोलते हुए, तो लेते हैं और चलते हैं घर, सारे काम हो चुके हैं। तो आज का तो ऑलमोस्ट पूरा ही दिन लग गया है, बिकॉज 4 बजने वाले हैं। गया बुरा है जमाना, तू चल टकर ना कर। सारे के सारे काम हो चुके हैं हमारी, उसमें शर्ट भी आ चुकी है, जीन्स भी आ चुकी है, बैटरी भी आ चुकी है, एंड नाउ वी आर गोइंग बैक टू आवर होम। अगर मगर कैसा है ये सफर, सो फाइनली गाइस घर पे पहुंच गया हूँ, और घर पहुंचते ही पहले तो मैं खाना खा रहा हूँ, हाथ धो के, ठीक है? तो खाना खाता हूँ और फिर मैं आपसे मिलता हूँ, फिर दिखाता हूँ मैंने क्या क्या शॉपिंग की है, क्या क्या कपड़े मैंने लिए हैं। और पीयूष कह रहा था कि मुझे भी दिलाना, तो मम्मी जी मैं आपको पैसे दे दूंगा, इसके लिए मार्केट से ले आना, बिकॉज आप अच्छी मार्केटिंग कर लेते हो। अच्छी मार्केटिंग मेरे से, पीयूष को ले जाना और ले आना, ठीक है? जो मैं कहूंगा, खटी हुई पूरी उधड़ी हो गई है। फिर बच्चों की हिसाब होती है, बड़ों की बड़ों ही होती है, नहीं होती है बेटा? पापा जी स्टिल वर्किंग, सुबह जब मैं गया तब भी काम कर रहे थे, अब भी काम ही कर रहे हैं। दिन में ना धूप आ गई थी, मैंने बंद कर दिया, अब छाया का काम है, दिन धूप में कुछ नहीं छिपता। तो लेबर को लगा लिया करो, कर लेंगे, क्या हो गया, दे देंगे पैसे, एक दो दिहाड़ी दे देंगे, क्या हो जाएगा? कहां तो नहीं दिहाड़ी का, टुकड़े टुकड़े इतना टुकड़ा अंदर है, बस हो गया, कर लेंगे एक दो दिन में आराम आराम से। लेबर ऐसा काम भी नहीं करता। पापा जी इज फ्री, तो पापा जी घर को संवारने में, पेंट करने में, पुट्टी करने में लगे रहते हैं। और अगली माँ, तो अभी 6 बज चुके हैं, आज का पूरा दिन निकल चुका है और बहुत ज़्यादा थकान भी लग रही है, तो मैं जल्दी सो जाऊंगा, बिकॉज अराउंड 60 किलोमीटर से भी ज़्यादा हमने बाइक चलाई मैंने, बट जो भी है बहुत एक्साइटमेंट फील हो रहा है बाइक को देख के, और भी ज़्यादा कैसी लग रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा
बहुत मस्त बाइक लग रही थी। छोटी हाँ। सी छोटी देख के तो छोटी वाली फीलिंग आ रही थी। क्यों सब खा रहे खाना अपनी उससे बड़ी थी वो अपनी हीरो के। अपनी से तो बड़ी थी लेकिन फिर भी जैसे। एक कॉम्पैक्ट सी बाइक लग रही, छोटी सी बाइक लग रही थी मुझे ड्यूक। हे गाइस, वैसे तो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है व्लॉग करने का, बहुत थक गया हूँ, मैं सो गया था, बट फिर भी सोचा व्लॉग एंड कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ मैं कौन कौन से शर्ट जीन्स कपड़े लेके आया हूँ। मैं मम्मी जी को भी दिखाता हूँ, तो सबसे पहले तो ये दिखाता हूँ, ये मेरी फेवरेट है। फिर है ये सर्दियों की बेटा, सर्दी तो सर्दियां ही तो आ रही हैं अब, देखो पीछे ना इसके लिए तो पीछे ये इसका काफी प्यारा है, ये तो आ रहा है, नहीं आ रहा ना, खड़े होके अच्छा दिखेगा। सही है, ऊपर क्यों कर रहा है, दूसरी डाल के दिखा। देखो ये कलर मैं डाल के दिखाऊँ आपको, ये मतलब काफी मोटे टाइप का कपड़ा होता है, इस टाइप के मैंने दो लिए हैं, एक ये कलर है एक ये कलर है, मतलब डेनिम टाइप का है, एक ये है फ्लावर वाला, ये डाल के दिखाता हूँ, फिटिंग तो बिल्कुल सही कर दी उन्होंने। तो एक तो ये है, ये देखो काफी लोग कमेंट करेंगे ये वाली शर्ट मेरे पास भी है, ये मेरे पास भी है ना, देख लेना नीचे कमेंट आएंगे। तो गाइस एक ये है देखो, ये कलर, ये भी काफी प्यारा लग रहा है। तो हो गई कंप्लीट, बाकी दो जीन्स हैं वो भी दिखा देता हूँ। एक जीन्स तो ये है, मेरे पास ये कलर नहीं था तो नॉर्मल जीन्स है देखो, और एक हो रहा है ये वाली मुझे बहुत पसंद आई, इसके साथ में बेल्ट भी है कलर की, और इसमें देखो मतलब निशान ने भी सेम ऐसी पैंट ली है, और ये लिया है GoPro का चार्जर और GoPro की बैटरी ओरिजिनल, ये मुझे पड़े हैं 4500 का, और एक लिया है मैंने फैब्रिक का ये एक्रेलिक कलर जो कि मैं कस्टम करने के लिए यूज़ करूँगा। बाकी मुझे और भी काफ़ी चीज़ें लेनी है अपने स्टूडियो के लिए, पूरा स्टॉक एक्रेलिक कलर का, बड़े बड़े बॉक्सेस ऑयल का सारा, तो उसकी शॉपिंग करने जाएंगे आराम से। फिलहाल तो बस अभी फ़िलहाल यही लिया मैंने, तो आज मेरा टोटल अराउंड 12,000 रुपये का सामान आया सारा, कपड़े कुपड़े और ये सब कुछ मिला के। पहले से ना 2 साल पहले तक पहले मम्मी क्या जाता था मैं मार्केट में बिल्कुल, मतलब अब तो हम खुद जाने लगे थोड़ी बहुत अर्निंग करने लग रही, तो पहले मम्मी जाती थी बार्गेनिंग करते थे हम, फिर उस टाइम पैसों का देखते थे ना हिसाब। हाँ हम 200 रुपए की जीन्स डालते थे, 200 की शर्ट डालते थे, अभी भी बढ़िया मेरे पास। अब भी ऐसा नहीं है कि मैं बड़े बड़े शोरूम में जा रहा हूँ नाइकी वाइकी, आपने देखा वो नॉर्मल शॉप में गया जहाँ पे अच्छी क्वालिटी के थोड़े बहुत मिल जाए और ले आया मैं कोई मतलब बढ़िया ब्रांडेड शोरूम में। इतने में तो यार देखो जैसे मैं 6 शर्ट लाया हूँ तो 6 शर्ट में साहिल भी डालेगा मैं भी डालूंगा, बिकॉज हम दोनों का साइज सेम है, आपने देखा होगा टी शर्ट भी हम बदल बदल के डालते रहते हैं, तो साहिल के काम भी आएगी मेरे भी। और इतने में तो अगर मैं शोरूम में जाऊँ वहाँ तो एक इतनी महंगी महंगी आती है, 2-3 हज़ार रुपये की एक आएगी, यहाँ पे मुझे पड़ी अराउंड 600-800 रुपये की एक शर्ट, और बाकी और पीयूष के कपड़े आ जाएंगे, पापा जी के आ जाएंगे, इतने में तो ब्रांड के लेने से बढ़िया। तो हाँ फिलहाल अभी उतनी औकात नहीं है तो हाँ मेरे को अब नींद आ रही है, मैं थक गया हूँ गाइस, इस व्लॉग को एंड कर देता हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग,